हमने अपने लास्ट वीडियो में पूरा फॉर्मेटिंग किया था अपनी पूरे रिपोर्ट का. नाउ वी विल इंसर्ट द फॉर्मूलाज एंड द ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड. सो दिस वीडियो इज़ वेरी बेसिक. हमें क्या करना है, हमें अपने सारे सेल्स में फॉर्मूला इंसर्ट करना है. नॉट वी डोंट वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर डेटा शीट फ्रॉम हेयर टू हेयर. वी डोंट वॉन्ट दैट. वी वॉन्ट टू जस्ट ऐड बेसिक कैलकुलेशंस. नाउ व्हाट आर द बेसिक कैलकुलेशंस? नेट सेल्स मैंने क्या बोला था, नेट सेल्स इज ग्रॉस सेल्स इनकम माइनस द डिस्काउंट. डिस्काउंट फिगर मैंने दिखाया था कि हमने माइनस में ले रखा है. सो आई जस्ट हैव टू मेक अ सम ऑफ दीज टू सेल्स. सो दैट क्या होगा, अपने आप जो ग्रॉस सेल्स इनकम होगा माइनस डिस्काउंट होके आंसर आ जाएगा. क्यों माइनस होगा, क्योंकि डिस्काउंट का फिगर मैंने देखा ऑलरेडी माइनस में ही था. सो दिस इज हाउ आई गेट द नेट सेल्स. मैंने इसको ड्रैग कर दिया राइट, ताकि यहाँ पे भी आई हैव सम ऑफ ग्रॉस सेल्स इनकम माइनस डिस्काउंट. डिस्काउंट अपने आप माइनस हो जाएगा बिकॉज डिस्काउंट फिगर्स आर इन नेगेटिव टर्म्स. सिमिलरली आई डू इट फॉर ग्रॉस प्रॉफिट विच इज़ द सम ऑफ नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. मैंने दिखाया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी माइनस में था, तो वो अपने आप नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा एंड आंसर विल कम इन प्रॉपर फॉर्मेट. तो सम ऑफ नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेगेटिव में है, तो प्लस नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने आप मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा. सिमिलरली आई डू इट फॉर FDM फुल डिलीवर्ड मार्जिन. सम ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट से मैंने माइनस करना है डिस्ट्रीब्यूशन को और वेयर हाउसिंग को. मैंने दिखाया कि कैसे वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी माइनस में है, माइनस फिगर्स में है हमारे डेटा में. इफ़ यू वॉन्ट टू चेक इट जस्ट अगेन चेक द फिगर्स. देखो ये सारे माइनस में हैं, तो इसको जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो भी ये माइनस बन के ही आएंगे. तो इसीलिए सिंपली हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट और इन तीनों का सम ले लेना है बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयर हाउसिंग ऑलरेडी माइनस में ही है. तो वो जब आउटपुट आएगा तो हमारे को एक्यूरेट आउटपुट इसमें मिल जाएगा. सो दिस इज़ हाउ आई ऐड माई कैलकुलेशंस. वेरिएबिलिटी हमें निकालना है. वेरिएबिलिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स क्या होता है, 2016 का जो हमारा फिगर होगा माइनस 2015 का जो हमारा फिगर है. इस फॉर्मूला को हमें अब सब जगह ड्रैग करके फिल करके कॉपी पेस्ट करना है. सो दैट आई गेट माई डेटा फॉर इंटायर कॉलम. बेसिकली हमने डिफरेंस निकाले ऑफ आर 2016 एंड 2015 फिगर्स. द नेक्स्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू डू इज वेरिएबिलिटी इन परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं. देखो फॉर वेरिएबिलिटी इन परसेंटेज हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, 2016 फिगर माइनस 2015 फिगर डिवाइडेड बाय 2015 फिगर. तो हमने क्या किया, 2016 फिगर माइनस 2015 फिगर, उससे हमें एब्सोल्यूट अमाउंट आएगा. डिवाइडेड बाय जब हम लोग 2015 फिगर करेंगे तो हमें परसेंटेज टर्म्स मिल जाएगा. बेसिकली डेसिमल जो मिलेगा उसको हम लोग परसेंटेज में फॉर्मेट कर सकते हैं यूजिंग होम टैब. तो ये हो गया हमारा. अभी ऑब्वियसली ये वाला एरर आएगा बिकॉज अभी सारे सेल्स ज़ीरो है, कुछ सेल में वैल्यूज़ नहीं है. सिंपली हमें ड्रैग करना है एंड वापस से वील एड द रोज जो हट गए बॉर्डर्स. टॉप बॉर्डर एंड बॉटम थिक बॉर्डर. सो दिस इज हाउ आई कैन ऐड माय फॉर्मूला. अगेन ग्रॉस प्रॉफिट का भी देख लो. ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मैंने बताया था इज नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हम करेंगे. इसके बाद हम करेंगे इसको, सॉरी इसको ड्रैग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज FDM परसेंटेज विच इज FDM डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. हम सारे फिगर्स को नेट सेल्स से कंपेयर करेंगे कि सपोज
जो भी हमने मैगी का एग्जांपल लिया था कि 10 पैकेट्स ऑफ मैगी मैंने ख़रीदा था एट 50 रुपीज़, तो वो 50 रुपीज़ का मैंने डिस्काउंट लिया एंड मैंने उसको ख़रीदा 48 में, तो शॉप ओनर का जो प्रॉफिट हुआ और हमारे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ बेसिकली परसेंटेज टर्म्स में कैसे निकालेगा वो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो उसका नेट सेल्स है विच इज़ 48, तो इससे उसको मिल जाएगा कि वॉट परसेंटेज, बेसिकली वॉट परसेंटेज ऑफ योर नेट सेल कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड वॉट परसेंटेज ऑफ योर नेट सेल कंसिस्ट ऑफ द फुल डिलीवर्ड मार्जिन। जब हम लोग डेटा यहाँ पे फिल करेंगे तभी और क्लियर हो जाएगा कि कैसे, एंड ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा होता है FDM से, बिकॉज FDM का अमाउंट कम हो जाता है बिकॉज वी आर डिडक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलवेज ग्रेटर दैन FDM व्हेन वी हैव मोर ऑफ एक्सपेंसेस। सो दिस इज हाउ आई हैव क्रिएटेड, आई हैव एडेड द कैलकुलेशंस टू माई शीट। अब हम लोग को खाली ये सारे सेल्स फिल करने हैं। द मोमेंट आई फिल दी सेल्स अपने आप ही कैलकुलेशंस ऐड हो जाएंगे, अपने आप ही कैलकुलेशंस कैलकुलेट हो जाएंगे हमारे एक्सेल शीट में।